किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, फरवरी में मैंने एक वीडियो दिखाई थी आपको जिसका नंबर था 410। ये वही खेत है जिसमें से हमने सरसों ली थी इंटरक्रॉप के रूप में और नवंबर में हमने ये आम्रपाली के पेड़ लगाए थे। ये 20x20 पर लगाए थे हमने, पेड़ ठीक चल रहे हैं। उसके बाद जब मैंने सरसों ली तो मैंने ये दिखाया था कि जो सरसों का भूसा था वो देखिए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ये सब देखेंगे, ये सरसों का भूसा था और उस भूसे को मैंने हैरो से यही जुताई करवा दी। आप लोगों ने सुना होगा और ये देखा भी होगा कि जहाँ पर गेहूं का भूस पराली या सरसों का जो भूसा होता है वो पड़ा हुआ होता है, वहां पर अगली फसल कमजोर होती है। उसका कारण ये है कि जो ये वेस्ट है, जो पराली का वेस्ट है, भूसे का वेस्ट है और ये सरसों का वेस्ट है, इसकी कार्बन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उसके अनुपात में नाइट्रोजन कम होती है। तो जब जीवाणु इसमें कार्य करने लगते हैं, इसको खाने लगते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो अतिरिक्त नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है उसे जमीन से ले लेते हैं और वहां पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उस वीडियो को दोबारा एक बार फिर ध्यान से देखिए। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये देखिए आप पूरा हिस्सा, इस हिस्से में वो तूड़ी थी पड़ी हुई और एक ये हिस्सा है नाली, इसमें वो तूड़ी नहीं थी। देखिए इसमें तूड़ी नहीं थी, इसमें कितनी अच्छी मूंग है इसके मुकाबले इसमें थोड़ी कम है, जबकि मैंने इस लगभग एक एकड़ के खेत में 20 किलो यूरिया डलवाया था। लेकिन मेरे कार्यकर्ता ने क्या हुआ कि वो यूरिया सब जगह डाल दिया, जबकि वो यूरिया वहां पर डालना चाहिए था जहां पर वेस्ट था और जिससे के जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलती और वहां पैदावार अच्छी होती। लेकिन फिर भी देखिए कि उनको जो अतिरिक्त नाइट्रोजन मिली और जमीन से नहीं ली तो भी इसमें अच्छी पैदावार है। आप पूरे खेत को देखिए, तो इसमें तूड़ी थी, इस अगले लाइन में नहीं थी, उससे अगले में थी, उसमें भी थोड़ा हल्कापन, उससे अगले में है, उससे अगले में नहीं। किसान साथियों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता था कि जो भी आपके वेस्ट हैं, चाहे वो धान का कहीं पर बचा हुआ हो, चाहे आपका गेहूं का बचा हुआ हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे किसी का चीज़, अगर हो सके तो उसे थोड़ा फैलाइए और उसमें कुछ भी करके हैरो चलाइए, टीलर चलाइए, रोटावेटर चलाइए, उसे थोड़ा मिट्टी में मिला दीजिए और उस पर 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया का छिड़काव कर दीजिए और फिर पानी दे दीजिए। तो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जब उसको डिकम्पोस्ट करेंगे, उसकी खाद बनाएंगे, तो उनको अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलेगी और जो फसल आप ले रहे हैं उसमें पीलापन नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि गन्ने की फसल में भी जब हम पाती बहुत ज्यादा डाल देते हैं तो कुछ लोग तो उसमें आग लगा देते हैं और कुछ के यहाँ क्या होता है कि उसमें पीलापन आ जाता है। अगर शुरू में ही आप उसे थोड़ा मिट्टी में मिला दें या यूरिया डाल दें उसमें, तो ये पीलापन नहीं आएगा क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं को अतिरिक्त नाइट्रोजन मिल जाएगी। किसान साथियों, मैं जो भी प्रयोग करता हूँ वो क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो में ये बताता हूँ और दूसरी वीडियो में ये बताता हूँ कि उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम सामने है, मेरे को कोई ऐसी वीडियो बनाने का शौक नहीं है कि जिसमें आपको मैं कोई परिणाम न दिखा सकूं। तो जब भी आपके पास कोई वेस्ट हो उसे थोड़ा फैलाइए खेत में, जमीन में मिला दीजिए और फिर 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया का स्प्रे कर दीजिए या उसमें बखेर दीजिए और फिर पानी दीजिए, तो जीवाणुओं को अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलेगी जो कमी है और आपकी फसल इतनी कमजोर नहीं होगी। अगर थोड़ी कमजोर लग रही है तो फिर उसमें अगले बार थोड़ा बढ़ा दीजिए या यूरिया का स्प्रे कर दीजिए उसमें।
किसान साथियों, अब आप देखिए, इसमें मैंने बहुत अच्छी सरसों ली थी और सरसों के बाद में ये देखिए, ये मूंग खड़ी है, कितनी अच्छी मूंग हो गई है। ये मूंग की फसल है। इसके बाद में मैं फिर इसमें एक फसल और लूंगा और धीरे धीरे मेरा आम का बाग भी डेवलप होगा और अगले साल फरवरी में मैं इसमें इंटरक्रॉप के रूप में ड्रैगन फ्रूट लगाऊंगा और ड्रैगन फ्रूट और आम के बीच में भी अंतर्वर्तीय फसलें लेता रहूंगा, जिससे कि जो मेरा खर्चा हो रहा है वो निकले और जब मेरी फसल आए तो मेरी आमदनी ही आमदनी हो। वो मैं क्या करता रहूंगा, इस खेत के बारे में मैं अवश्य बताऊंगा। ये खेत कृपाल सागर का है, जो राहो के पास है, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में है। आप अगर चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।